चला रोल रोल गए। बोलिए एक मिनट अरे वायर सर बोला पुनः एकदा तुम्ही कार्यरत होता है काय भावना है 103 दिवस तुम्ही आतरोड जेल मध्ये होता जेल मध्ये होतो आज मैडम भाग्या 3 महिन्यांनी हाताला घड्याळ बांधलेला आहे 3 महीने के बाद हाथ में मैं घड़ी पहन ली जेल में घड़ी पहना बैन होता है घड़ी भी मेरा लूज हो गया देखो घड़ी लूज हो गया मेरा सब कम हो गया है जेल में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती विश्व का कोई भी जेल अगर किसी को लगता होगा आपका पूरा शहर आ रहा है एक मिनट कि लोग मजे में रहते नहीं जेल में रहना बहुत कठिनाई के साथ रहना पड़ता है इसलिए जेल की संकल्पना बनाई गई है लेकिन अब आया हूँ लोगों ने जोर से स्वागत किया प्यार दिया मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे आज सुबह शरद पवार साहब का भी फोन था वो भी बीमार है लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं अभी अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फोन चल रहा था कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ना ईडी पर करूंगा ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूंगा जो मुझे भुगतना था मेरे पार्टी को भुगतना था हमने भुगत लिया है मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है तो होता है ऐसा जिंदगी में राजनीति में हम लोग लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी ना देखी है हमारा देश 150 साल गुलामी में था उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है करना चाहिए सबको करना चाहिए महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है मैं 3 महीने से बाहर हूँ कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के मैं उनका स्वागत भी करूँगा विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग कभी ना किया है जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है खास करके हाउसिंग जो है गरीबों के लिए घर देने का फैसला म्हाड़ा को अधिकार देने का फैसला जो हमारे सरकार ने वो अधिकार छीन लिए थे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन म्हाड़ा बोर्ड को एक वापस अधिकार देने का फैसला फडणवीस साहब ने लिया है वो मुझे अच्छा लगा ऐसे बहुत से निर्णय हैं सरकार होती है अच्छे निर्णयों का स्वागत होना चाहिए अभी भी ये खराब जेल में कैसे समय बिताते थे सर तबीयत मेरी जेल में भी खराब थी अभी भी खराब है मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं होती
जो दीवारें होती है जेल की उससे बात करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जो बाहर के बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है हमको, एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य टिलक मंडाले में 6 साल से ज्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी ना कभी जेल में जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। कल आपने कहा कि दिल्ली से आदेश आया था आपको जेल भेजने का, और जेल भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं देखिए, अगर किसी को भी गलत इल्जाम में जेल भेजा जाता है तो गलती हो, वो गलती है किसी के लिए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक है, लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, बढ़ गया। सर आज आप उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मिलने वाले हैं? डेफिनेटली मिलूंगा मैं, दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरे परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं, तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ, कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको, जरूर मिलूंगा। सर मराठा मध्ये सर 103 दिवस मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आप मुख्यमंत्री से मिलकर बात? देखिए, मैं लगता है कि राज्य का जो कारोबार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है, और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ, और जो मेरा काम है सरकारी वो उनके डिपार्टमेंट में है। सर लड़ाई बीजेपी से, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो ये विरोधाभास। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृहमंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। सर दिल्ली में जब मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों की पूछताछ से बाहर आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी शामिल हो जाए, आपका इस तरह का कोई अनुभव रहा क्या? सर ठीक है, इस बारे में मैं जल्दी बात करूंगा, आज नहीं बात। सर मराठी मध्ये सांगा की 103 दिवस तुम्ही तुरुंगा मध्ये राहणार, जो अनुभव नेमका कसा होता, कुणा कुणाची आठवणी तुम्हाला? तो अनुभव आता इतक्या लवकर सांगण्यासारखा नाही आहे, आणि आठवणी तर खूप येतात। जेव्हा आपण तुरुंगात राहतो, आमचे मित्र आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी एका भाषणात माझ्यावर टीका करताना सांगितलं होतं की संजय राऊतांना ईडीकडून अटक होईल, आणि आता त्यांनी एकांतात स्वतःशीच बोलण्याची काय प्रॅक्टिस करावी? मला त्यांना सांगायचं आहे की हो, मला ईडीने अटक केली, ती बेकायदेशीर होती, असं कोर्टाचं म्हणणं आहे, आणि राजकारणामध्ये शत्रूच्या संदर्भातही अशा भावना आपण व्यक्त करू नयेत की तो तुरुंगात जावा। आणि मी एकांतात होतो जसे सावरकर एकांतामध्ये होते, लोकमान्य टिळक एकांतात होते, आणीबाणीमध्ये अनेक नेते एकांतात होते, तशी माझी सुद्धा अटक राजकीय होती, आणि मी माझा एकांतातला काळ सत्कारांनी लावला। स्वागत करताय, पण शिवसेनेने सरकार स्थापन झाल्यापासून एकच टीका केली आहे की हे सरकार घटनाबाह्य आहे। नक्कीच घटनाबाह्य आहे, त्याच्याविषयी माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही, पण त्यांनी जे काही मोजके निर्णय जाहीर केले त्याच्याविषयी म्हणतोय मी। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर कोई, मैं सांसद हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते है क्या? क्या है ये? महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। बीजेपी की लड़ाई आपकी वैसे ही जारी रहेगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं, जब तक पद पर कोई बैठा है संवैधानिक पद पर,
तो उसे मिलकर राज्य के देश के कामों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और मैंने पढ़ा है जब मैं जेल में था, फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई है वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया। भारत जोड़ो यात्रा का मैं स्वागत करता हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं जरूर राहुल गांधी जी के साथ जाकर आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता। मैं आज उद्धव जी से इस बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।